चाहूंगा कि यदि दक्षिण भारतीय संपूर्ण दक्षिण एशियाई ये जो पूरी सभ्यता और संस्कृति है इसके निर्माण में योगीराज भर्तृहरि की अविस्मरणीय भूमिका है। यदि योगीराज भर्तृहरि नहीं होते तो संपूर्ण दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वह, और यहाँ से लेकर मक्का मदीना तक का जो भाग है, अरब तक का जो क्षेत्र है, उसमें योग का जो वैभव परिव्याप्त हुआ है यह संभव नहीं होता। और इस रूप में यदि हम देखें तो नाथपंथी जो साधक हैं उनका और योगेंद्र भर्तृहरि का अविस्मरणीय योगदान है। और इस योगदान को मैं चतुआयामी सूत्र के माध्यम से संकेतित करना चाहूँगा। जब भी हम किसी ऐसे महान चरित्र के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें चार आयामों के आधार पर उसके व्यक्तित्व और उसके अवदान की चर्चा करनी चाहिए। और इस दृष्टि से भर्तृहरि के संबंध में चारों ही दृष्टियों से यदि हम विचार करें तो हमें मिलेगा कि यह जो वर्तमान काल में दक्षिण एशिया और उसमें भी सुदूर दक्षिण पूर्व से लेकर हमारा जो दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है, इस संपूर्ण भूभाग को अपनी सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से, योग के प्रसार के माध्यम से और साथ साथ जीव हिंसा के विरुद्ध प्रतिकार करते हुए यदि किसी ने फैलाया है भारतीय चिंतना को तो राजा भर्तृहरि ने फैलाया। जब कल्पना करिए कि एक योगी इस भूमि पर इस तरह से होते हैं कि जब उन्हें पता लगता है कि वन में शेर जो है वह मृगों का शिकार कर रहा है और वो चल पड़ते हैं उसकी रक्षा के लिए चल पड़ते हैं। और अभी दो तीन दिन की घटना हमारे सामने है, इतना पीड़ादायी अनुभव हम सभी को हो रहा है कि ये क्या समय है जिसकी चिंता शताब्दियों पहले भर्तृहरि कर रहे थे कि जीव हिंसा न हो, मृग जो है वो रक्षणीय है। और आप देखें कि अभी दो तीन दिन के अंदर मनुष्य ने अपना किस तरह से हिंसक रूप दिखाया कि छोटे से स्वाद के लिए, छोटे से पेट की पूर्ति के लिए न केवल उन हिरणों का शिकार कर दिया गया वरन उनकी रक्षा करने वाले हमारे जो जाबाज जो सिपाही थे उनके भी उन्होंने प्राण हरा। आज के समय में भर्तृहरि नाथ जी को याद करना यानी जीव हिंसा का प्रतिषेध करना है, उसके खिलाफ जो हमको सबको खड़ा होना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस भूमि पर है उसे अपने भूमि से प्रेम होना चाहिए। भूमि पर रहने वाले तमाम प्रकार के थलचर, जलचर और नभचर जो जीव हैं उनके प्रति प्रेम होना चाहिए।